वेलकम टू मानविका WCIS। अच्छा परिणाम लाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है, इसलिए बातों पर ध्यान ना दें बल्कि अपनी रातों को इन पढ़ाई और इन तैयारी में लगाए रहें और रातों से लड़ते रहें। और एक दिन सफल होके ही दिखाएंगे और लगे रहिए आप। अब आगे आज का टॉपिक शुरू करते हैं। जे आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पर्वतीय दर्रे यानी कि माउंटेन पासेस के बारे में। अब उनको अलग अलग स्टेट्स में जानेंगे और अच्छी तरीके से सीखेंगे। जैसे सबसे पहले हम शुरू करते हैं लद्दाख और जम्मू एंड कश्मीर, जो कि हमारे यूटीज़ हैं, यूनियन टेरिटरीज़ हैं। उनमें कौन से हमारे ये माउंटेन पास हैं? माउंटेन पास जानते होंगे, दो पहाड़ियों के बीच में जो रास्ता होता है, पास मतलब रास्ता, तो उसी को माउंटेन पास बोलते हैं। और उन्हीं से हमारा व्यापार वगैरह भी होता रहता है और जो रोड्स वगैरह हैं उन्हीं के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचते हैं माउंटेन्स के बीच में। तो ये चीज़ें हैं। तो अब ये जानना पड़ेगा कि अब सबसे पहले देखते हैं हम चाइना से लगे हुए। अभी हम अगर हम लद्दाख में देखें तो लद्दाख में हमें ये पता है इधर वाला जो बॉर्डर है ये सारा चाइना से लगा हुआ बॉर्डर है। तो जब चाइना से लगा हुआ बॉर्डर है तो हम सबसे पहले जानते हैं कि हम लद्दाख से किस तरीके से चाइना से। अब ये देखिए 1, 2, 3, 4, 5 और ये इस तरीके से हम ये अभी वैसे तो बहुत सारे हैं जो मैंने इम्पोर्टेंट लिए हैं, तो इसमें देखते हैं पांच जो हैं पासेस के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं ये क्या है, मिंताका पास। मिंताका पास जो है ये ट्राई पॉइंट पड़ता है कहाँ पर, ये चाइना, इंडिया और अफगानिस्तान का जो एरिया है वहाँ पर ट्राई पॉइंट के पास में है। तो मिंताका पास यानी कि वैसे तो ये क्या हमारा ये लद्दाख क्षेत्र मानते हैं और इसे POK भी कहते हैं इस एरिया को, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। और हमारा वैसे तो हम इसे लद्दाख ही बोलेंगे तो इसको लद्दाख के तरीके से ही सीखेंगे। तो अब ये है लद्दाख को जिनजियांग, ऊपर जो है इधर जिनजियांग प्रांत पड़ता है चाइना का, तो जिनजियांग से जोड़ता है मिंताका। अब दूसरा जो है इसी से लगा हुआ पास में है, थोड़ा पास में है, तो ये खुंजरेब पास, खुंजरेब। तो ये जो मेन है ये कहाँ है, ये लद्दाख को चीन से जोड़ता है। अब ऐसे इसके आगे है अगिल पास, ये भी लद्दाख को चीन से जोड़ता है। इसके बाद में काराकोरम पास, इसमें काराकोरम क्या यहाँ पर आगे यहाँ पर तारिम बेसिन पड़ता है, यारकंद क्षेत्र है वहाँ पर, तो यहाँ से हम लद्दाख से यारकंद के लिए जाने के लिए रास्ता है ये। और लनकला जो है ये कहाँ पर है, ये अक्साई चीन में पड़ता है। तो इस तरीके से हमारे ये जो चाइना से जोड़ने वाले रास्ते हैं, अब इसको क्षेत्र के हिसाब से समझ लेते हैं तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए मिंताका, खुंजरेब, अगिल, काराकोरम और ये अक्साई चीन का ये जो साउथ ईस्ट वाला एरिया है वहाँ पर लनकला दिखेगा आपको, ये यानी कि इधर तिब्बत वाला एरिया आ जाता है, तो तिब्बत से जुड़ता है ये। तो ये आपने देखा। अब आगे और देखते हैं, समझते हैं। अब आते हैं ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है, खारदुंगला। खारदुंगला क्या है, ये श्योक और इंडस, आपको मैंने पढ़ाया था श्योक रिवर थी इस तरीके से आती थी और ये इंडस रिवर में आकर मिलती थी, श्योक की ट्रिब्यूटरी। तो इस तरीके से श्योक और को इंडस से जोड़ने के लिए रास्ता है, इसलिए यहाँ पर ये नुब्रा वैली है, नुब्रा वैली, और जहाँ पर आपने देखा होगा नुब्रा रिवर है जो श्योक की सहायक रिवर है वो मिलती है आके, तो गेटवे ऑफ नुब्रा भी कहते हैं, यानी कि यहाँ से नुब्रा घाटी तक जाने का रास्ता है लद्दाख में। तो ये खारदुंगला हो गया। अब चांगला नीचे आते हैं, ये आपको चांगला पास दिख रहा है। चांगला पास क्या है, ये लेह से पेंगोंग त्सो के मार्ग पर पड़ता है। अब यहाँ पर इतना समझ में आके आपको इसको मैं इस तरीके से समझाता हूँ। अब ये देखिए यहाँ पर ये दिखेगा आपको चांगला। चांगला क्या है, तो आपको ये दिख रहा है ये हमारा लद्दाख वाला क्षेत्र है, ये पूरा लद्दाख वाला क्षेत्र है। तो लद्दाख वाले क्षेत्र में आपको कौन कौन सा दिखेगा, एक तो दिखेगा ये कारगिल और दूसरा दिखेगा लेह। तो और यहीं पर यहाँ पर जो अक्साई चीन वाला और ये एरिया है यहीं से ये चाइना से इधर से निकल के पेंगोंग त्सो लेक आती है। तो अब यहाँ क्या लिखा है, ये मतलब क्या है, चांगला जो है लेह को किससे, पेंगोंग त्सो लेक यानी कि पेंगोंग त्सो लेक की तरफ जाने वाले मार्ग पर पड़ता है।
वही चीज़ मैंने यहाँ पर दिखाई है। चांगला कहाँ पर है? लेह से पैंगोंग त्सो के मार्ग पर। और फिर नीचे आपको दिख रहा होगा उमलिंगला। उमलिंगला क्या है? चुसुमले और डेमचोक रोड। डेमचोक कहाँ पड़ता है? लेह के यहाँ पर, ये एरिया है जो यहाँ पर इस जगह पर डेमचोक पड़ता है, तो इसीलिए इसका क्या है, चुसुमले डेमचोक रोड पर सबसे ऊंचा मोटर योग रोड है ये, मोटर योग रोड, हाईएस्ट मोटर योग रोड। ठीक है, तो ये भी एक जानकारी होनी चाहिए। अब पेंसिला के बारे में जानते हैं। अब देखते हैं पेंसिला का क्या है। अब यहाँ पर दिख रहा है ये पेंसिला। पेंसिला क्या दिख रहा है? ये गेटवे टू जास्कर। यहाँ पर जास्कर श्रेणी हमने पढ़ी थी, और सुरू वैली को जास्कर वैली के, सुरू वैली और जास्कर वैली के को जोड़ता है। अब ये देखिए आप यहाँ पर, ये चीज़ कहाँ है? ये दिख रहा है यहाँ पे पेंसिला, तो ये कारगिल वाले क्षेत्र में है। और ये क्या दिख रहा है? ये ऊपर जो है सुरू वैली, नीचे जास्कर वैली है, तो गेटवे ऑफ जास्कर कहते हैं पेंसिला को, तो ये कारगिल क्षेत्र में पड़ता है। अब इससे ऊपर आपको दिखेगा ये जोजीला पास। जोजीला पास को समझने के लिए आपको क्या दिख रहा है? कश्मीर घाटी से किसको जोड़ रहा है? कश्मीर को किससे जोड़ रहा है? लद्दाख से जोड़ रहा है। वही चीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, जोजीला पास जो है द्रास सेक्टर है कारगिल का, और उसको श्रीनगर को जोड़ता है वहाँ से, तो कारगिल और लेह होते हुए चले जाते हैं यहाँ से, यानी कि जो इससे जाएंगे कारगिल, वो जोजीला से जाएंगे तो ये कश्मीर से होते हुए इधर जाएंगे, ये लद्दाख के द्रास में पहुँचेंगे। इस द्रास के बाद में आगे जाएंगे तो ये हमारा लेह पड़ता है आगे, मैंने बताया, तो श्रीनगर को जोड़ा द्रास से, द्रास से जोड़ा लेह को, तो ये जोजीला पास से चले जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ से जब जाएंगे तो ये ऊपर क्या है, गिलगिट बाल्टिस्तान यानी कि पॉक ऑक्यूपाइड कश्मीर वाला है, यहीं पर अस्तोर वैली पड़ती है। तो ये श्रीनगर को कहाँ से जोड़ रहा है? ये बुर्जिल पास से होते हुए जाएंगे तो हम अस्तोर वैली चले जाएंगे। कहाँ पर? ये किसका है? गिलगिट बाल्टिस्तान की तरफ। और इसी तरीके से नीचे हम यहाँ पर, ये जम्मू क्षेत्र पड़ता है, इस जम्मू क्षेत्र से ऐसे आएंगे बनिहाल पास से तो श्रीनगर में आएंगे। और इसी तरीके से ये पीर पंजाल श्रेणी है। पीर पंजाल में क्या होगा हमारा? ये नीचे कश्मीर घाटी से हम पीर पंजाल से होते हुए हम कहाँ, रजौरी और पुंछ को जोड़ेंगे। अब इसको इधर आराम से आप समझ लीजिए। इसमें आपको यहाँ पर दिखेगा ये पुंछ दिख रहा है, ये रजौरी दिख रहा है, और ये जम्मू दिख रहा है। तो हम इसी चीज़ को यहाँ पर समझते हैं क्या है, यहाँ से हम चलेंगे तो पीर पंजाल में जाएंगे, और यहाँ पर रजौरी और पुंछ से जोड़ेगा क्या, पीर पंजाल। ये पीर पंजाल रेंज में पड़ते हैं, बनिहाल और पीर पंजाल दोनों, बनिहाल और पीर पंजाल दोनों। यहीं पर आपको मालूम होगा जो एक आपने वो टनल के बारे में सुना होगा, तो बनिहाल काजीकुंड टनल सुना होगा, तो बनिहाल काजीकुंड टनल भी, काजीकुंड काजीकुंड। अब इसको स्पेलिंग अगर जाननी है तो QUZIGUND। तो बनिहाल टू काजीकुंड टनल है, उसे पीर पंजाल रेंज में पड़ेगी है, और ये 8.5 किलोमीटर लंबी टनल है। इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, ये कहाँ है? यहीं है जास्कर रेंज में ही, और इसी के यहीं पीर पंजाल जो है पास दिख रहा है, इसके नीचे की तरफ जो है वो कौन सी पड़ती है, जवाहर टनल। तो जवाहर टनल को जो है, ये भी बनिहाल काजीकुंड वाला है उस एरिया में पड़ती है, और इसका इसकी है 2.85 किलोमीटर। तो ये जो है मेन, मतलब बनिहाल पास वाले में है, ये बनिहाल पास वाले एरिया में, ये बनिहाल पास दिख रहा है, यहीं पर दोनों हैं, कौन कौन सी, जवाहर टनल और बनिहाल काजीकुंड टनल। तो ये आपको पता होनी चाहिए। ऊपर एक ये जोजिला पास दिख रहा है, यहाँ पर एक टनल अंडर कंस्ट्रक्शन है जो 14.2 किलोमीटर की है, तो जब ये बन के तैयार होगी तो वो क्या हो जाएगी, एशिया की लॉन्गेस्ट रोड टनल कहलाएगी कनेक्टिविटी में। ये किसे जोड़ेगी, मतलब लेह श्रीनगर को लेह और कारगिल से, जो कि आपको पता ही है जो जिला पास जोड़ता है। तो इस तरीके से ये जानकारी हमें होनी चाहिए। और एक एशिया की जो लॉन्गेस्ट टनल है वो आपको पता होना चाहिए, वो है चेनानी नासरी टनल, चेनानी नासरी। ये मैं अभी जानकारी दे दे रहा हूँ, वैसे तो आप ये पास वगैरह पढ़िए। ठीक है, तो अब ये हो गया हमारे यहाँ से संबंधित सारे पास। तो हमने देख लिया कि ये हमारे यहाँ पर लाइन से समझ में आ गए होंगे आपको। अब इसके नीचे आते हैं हम, आप देखते हैं यहाँ पर दो आपको दिखेंगे, एक तो दिखेगा आपको उत्तराखंड, और एक दिखेगा हमारे लिए इधर
नीचे की तरफ ये हमने दिखाया है, क्या है ये हमारा हिमाचल प्रदेश, तो ये दोनों को साथ साथ दिखा दिया है। अब देखिए अगर हम हिमाचल प्रदेश की तरफ जाएंगे तो हिमाचल प्रदेश में ये दो आपको ऊपर की तरफ ये दिखेंगे, ये दो रास्ते, ये दो पास दिखेंगे। ये दो पास क्या है, एक शिंगोला है, इसे शिनकुला भी कहते हैं, और दूसरा है बारालाचा। अब देखिए ये दोनों कहाँ से जोड़ रहे हैं, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर हिमाचल की लाहौल और स्पीति वैली है, और ऊपर क्या है हमारा लेह है, तो हम लद्दाख वाला क्षेत्र है, तो लाहौल स्पीति को लद्दाख से जोड़ रहा है, और यहाँ पर जास्कर रेंज है, तो ये सिंगोला या सिनकुला है, तो लाहौल स्पीति को लेह लद्दाख से जोड़ रहा है। ऐसे बारालाचा है, लाहौल स्पीति को लद्दाख से जोड़ रहा है, लेकिन ये जो बारालाचा है ये लेह मनाली राजमार्ग का, जो अभी हम नीचे देखेंगे किस तरीके से है, तो ये चीज़ हो गई। अब इसको ज़रा यहाँ पर आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से, तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। एक तो एक कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, जो ये कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है, ऐसे समझिए आराम से, इसको बड़ा करके देख लेते हैं जिससे आपको समझ में आएगा आराम से। देखिए ये तो है कुल्लू डिस्ट्रिक्ट, ये हमारा लाहौल स्पीति है, और ऊपर जो हमारा ये है क्या लेह, जो हमारा क्या है लद्दाख में, तो अब यहीं से रिलेटेड है। तो सबसे पहले हम चलते हैं नीचे से, तो हम कुल्लू में हैं, कुल्लू में मनाली है, मनाली से हम जाएंगे रोहतांग पास। ये रोहतांग पास किससे जोड़ रहा है हमें, लाहौल स्पीति से, और इसी तरीके से इस तरीके से जाएंगे आगे। बारालाचा जो है लेह मनाली रास्ते पे पड़ता है बारालाचा, और बारालाचा से होते हुए हम चले जाएंगे लेह में, तो ये लेह मनाली के लिए ये हमारा रास्ता है। तो एक रास्ता ये हो गया, और दूसरा हम ये सीखते हैं यानी कि रोहतांग पास और बारालाचा होते हुए हम लेह मनाली राजमार्ग पर पड़ता है, और इसी का एक अल्टरनेटिव कौन सा है, ये शिंकोला है। अब हम बारालाचा से ना जाके हम लद्दाख जाने के लिए हम शिनकोला को के रास्ते भी जा सकते हैं। अब ऐसे ही आपको यहाँ पर दिखेगा किसमें, कुल्लू और लेह के, कुल्लू और लाहौल स्पीति, ये लाहौल स्पीति है, तो इसके बीच में आपको दिख रहा है देवसा पास, ये देवसा पास है जो ये दिख रहा है, और ऐसे ही ये कुंजुम पास यहाँ पर दिखेगा, तो ये लाहौल और स्पीति दोनों हैं, वैलीज उनके बीच में है। तो हमें ये चारों पता, मतलब पांचों पता लग गए कि अगर हम यहाँ से एंटर करेंगे किससे, रोहतांग पास से जाएंगे, और इस तरीके से बारालाचा होते हुए तो हम चले जाएंगे लेह मनाली मार्ग में, और यहीं से अगर हमें कुल्लू से जाना होगा लाहौल स्पीति, तो हम इससे देवसा पास से भी निकल जाएंगे, और हमें लाहौल से स्पीति की तरफ जाना होगा तो हम इसे कुंजुम से निकल जाएंगे, और अगर हमें यहीं से आगे जाना होगा तो हम शिनकोला से हम कहाँ पहुँच जाएंगे, लद्दाख में। तो ये हमारे हो गए पासेज कहाँ पर, और इसके बाद में ये देखिए नीचे आपको दो तीन पास दिखेंगे। ये शिपकीला, शिपकीला क्या है, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ये, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से एंटर करती है तिब्बत से आती हुई, कौन सी जो है रिवर इसी शिपकीला पास से आती है, कौन सी है आपको पता होगा, सतलुज रिवर है, तो ये एक शिपकीला है किससे, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट को जोड़ रहा है तिब्बत से। ऐसे नीचे दो आपको ये लमखगा और रुपिन पास दिख रहे होंगे, लमखगा और रुपिन का पास हैं जो उत्तराखंड को जोड़ रहे हैं किन्नौर डिस्ट्रिक्ट से। अब किस किस को जोड़ रहे हैं लमखगा और रुपिन पास, ये देखिए यहाँ पर दिख रहा है रुपिन पास, धौला जो है उत्तरकाशी का है और सांगला जो है किन्नौर का है, तो यानी कि जो किन्नौर है उसमें सांगला है जगह, और उत्तरकाशी जो है उसमें क्या है धौली जगह को रुपिन पास जोड़ रहा है। ऐसे ही उत्तरकाशी में हरसिल जगह को सांगला से जोड़ रहा है कौन, लमखगा। यानी कि अगर इसको समझेंगे तो क्या होगा, ये ऊपर तो हमारी क्या होगा सांगला जो किन्नौर का एरिया, अब यहीं पर रुपिन जो है वो किससे जोड़ रहा है हमारा, रुपिन जो जोड़ रहा है लमखगा जोड़ रहा है हरसिल से, और रुपिन जो जोड़ रहा है वो हमारा जोड़ रहा है धौला से। तो ये हो गया हमारा इस तरीके से, ये हमने जाना, तो लेह मनाली शिपकीला और ये सब देख लिया। अब आते हैं हमारा ये नीति, जो हमारा ये एरिया पड़ रहा है क्या उत्तराखंड वाला एरिया, इसमें शिपकीला पड़ेगा, नहीं सॉरी, ये नीति और माना और मुलिंगला और लिपु लेक हैं, तो इनको समझते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो है ये देखते हैं किस जगह पर पड़ता है, ये देखिए इधर ये मुलिंगला है, सबसे पहले मुलिंगला है, फिर माना है, फिर नीति है और लिपु लेक, ये तीनों तो जो है किसे तिब्बत से लगते हुए हैं, उत्तराखंड को जो है जोड़ रहे हैं तिब्बत से, और ये लिपु लेक जो है इधर है नेपाल का एरिया, तो नेपाल का एरिया पड़ता है, तो नेपाल से जोड़ रहा है लिपु लेक। तो यहाँ पर आप देखिए इसको समझिए अब इस तरीके से अच्छे से,
तो अब यहाँ पर जो है क्या लुपू लेक कहाँ पर पड़ रहा है, काला पानी एरिया, जो काला पानी विवाद सुना होगा, काला पानी विवाद, तो यहीं पर ये इसी एरिया से है। तो ये नीचे जो पड़ता है नेपाल का जो एरिया है, यहाँ पर इस तरीके से आएंगे तो ये नीचे की तरफ जो नेपाल का एरिया है इसको कहते हैं धारचूला, और ऊपर का एरिया जो ये पिथौरागढ़ है ये है हमारा किसका, ये हमारा उत्तराखंड का है, जिसको यहाँ पर आप आराम से समझिए ये क्या हो रहा है। देखिए ये पिथौरागढ़ है और यहाँ पर क्या है, इधर है हमारा दारचूला, यानी कि ये है पिथौरागढ़, नीचे दारचूला, इनको जोड़ने वाला लिपू लेक है काला पानी क्षेत्र में। तो ये तीनों ऊपर होगा, ये दोनों तीनों जो है तिब्बत से जोड़ रहे हैं, मुलिंगला, मानाला और नीतिला, और नीचे लिपू लेक जोड़ रहा है नेपाल से। तो यहाँ पर ये होगा हमारे इससे संबंधित उत्तराखंड और हिमाचल के देख लिए। अब आते हैं सिक्किम में, सिक्किम में दर रहे हैं तो सिक्किम में देखिए, अब सिक्किम को यहाँ पर मैंने दिखाया है, तो यहाँ पर नाकुला, डोंगखला, गोइचा, और ये ऊपर नाकुला है, नीचे नाथुला है और जिलेपला है। तो अब ये देखिए यहाँ पर देखिए नाकुला जो है सिक्किम को तिब्बत से जोड़ रहा है, और डोंगखला ये भी सिक्किम को तिब्बत से जोड़ रहा है, ये ऊपर वाले क्षेत्र में कौन सा होगा, ये नॉर्दर्न सिक्किम वाला क्षेत्र है। और ये ईस्टर्न सिक्किम में आपको ये दो दिखेंगे, ईस्टर्न सिक्किम में आपको दो वो दिखेंगे, कौन कौन से दिखेंगे, एक तो दिखेगा नाथुला और दूसरा दिखेगा जिलेपला। जिलेपला नीचे है, नाथुला थोड़ा सा उससे ऊपर है, और दोनों यहाँ पर बीच में इस तरीके से, ये इधर की तरफ तो भूटान है और इधर की तरफ ये सिक्किम है, ऊपर की तरफ ये वाला हिस्सा तिब्बत का है, तो इसके बीच में ये चुंबी घाटी है। तो चुंबी घाटी के रास्ते आपको कहाँ पर ये दोनों दिख रहे हैं, चुंबी घाटी से जुड़ने वाले हैं। तो ये क्या है, नीचे जो है ये एरिया जो दिखेगा आपको, नीचे जो है ये एरिया है कालिम्पोंग पश्चिम बंगाल का। तो कालिम्पोंग से अगर हम निकलेंगे तो हम किससे होते हुए, जिलेपला से होते हुए कहाँ पहुँच जाएंगे, चुंबी घाटी, यानी कि तिब्बत को जोड़ रहा है, यानी कि सिक्किम को चुंबी वैली तिब्बत से जोड़ रहा है, कौन सा, जिलेपला। ऐसे ही इधर ये गंगटोक है, और गंगटोक से इधर से आएंगे और यहाँ पर ये पड़ती है डोंकिया रेंज सिक्किम की, और इसको चुंबी वैली से जोड़ने के लिए क्या है, नाथुला। तो चुंबी वैली आने के लिए गंगटोक से आएंगे नाथुला, और कालिम्पोंग से इधर से आएंगे तो जिलेपला, यानी कि गंगटोक से भी आ जाएंगे जिलेपला और नाथुला से भी गंगटोक से होते हुए आ जाएंगे, लेकिन आएंगे चुंबी वैली में। चुंबी वैली यानी कि तिब्बत से जोड़ रहा है। अब इधर ही ये दिख रहा है आपको गोईचा, यहाँ पर गोईचा दिख रहा है। गोईचा क्या है, यहाँ पर ये जोड़ रहा है सिक्किम को किससे जोड़ रहा है, नेपाल से। और ये कंचनजंगा, यहीं पर एक कंचनजंगा पर्वत है, यहाँ पर पड़ता है ये कंचनजंगा, जो हमने बताया था नेपाल और इसके बॉर्डर पर पड़ता है, इसका जो साउदर्न पार्ट है वहाँ पर पड़ेगा गोईचाला। तो ये आपने देख लिया नाकुला, गोंखा ला, नाथुला, जिलेपला, गोईचाला, ये सिक्किम के होगा। ये कहाँ से, ये लियासा तिब्बत है, तो तिब्बत से जोड़ रहे हैं। अब आते हैं हमारा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में आपको दिखेंगे बहुत सारे दर्रे, तो इसमें आपको दिखेगा यहाँ बूमडीला, सेला और बूमला। तो यहाँ पर वैसे तो बूमला जो है तवांग को तिब्बत से, और ये पश्चिम कामेंग को, इस तरीके से कैसे है इसको हम अपना यहाँ से इसके नीचे इसको हमने दिखाया है, इससे समझ में आएगा आपको अच्छे तरीके से। तो ये दिख रहा है, ये तीन तीनों क्या हैं, बेस्ट कामेंग ये पूरा दिख रहा है, और ये तवांग है। तवांग किससे लगा हुआ है, इधर ये तिब्बत से लगा हुआ है, पूरा ऊपर तिब्बत है। तो अब हम चलते हैं, तो यहाँ से अगर ये बेस्ट कमांग में है तो यहाँ से चलेंगे, ये आसाम से निकलते हुए आएँ तो बेस्ट कमांग में आएंगे, तो बूमडीला होते हुए आएंगे, फिर सेला पास होते हुए आएंगे, फिर हम बूमला पास होते हुए तवांग में एंट्री करेंगे, तो बूमला से होते हुए हम कहाँ पहुँच जाएंगे, तिब्बत, तिब्बत में पहुँच जाएंगे। तो इस तरीके से है। तो वैसे तो ये मैंने आपको बिल्कुल प्रॉपर रास्ता बताया, जिस रास्ते से होते हुए निकलते हैं, लेकिन बूमला के बारे में भी बोल दिया जाता है क्या, अरुणाचल को तिब्बत से, अरुणाचल को किससे जोड़ता है, तिब्बत से। ऐसे ही बूमडीला के लिए भी बोल दिया जाता है क्या, अरुणाचल को जोड़ता है किससे, तिब्बत से, क्योंकि अगर यहाँ से सीधे जाएंगे तो यहाँ से हम क्या निकल जाएंगे, बेस्ट कामेंग से तिब्बत से निकल जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं, तो ये हमें पता होना चाहिए, बूमला, सेला पास, बूमला, बूमडीला, सेला पास, और ये तीनों के रास्ता अगर ऐसे होते हुए जाएंगे तो हम तिब्बत पहुँचेंगे। तो ये तो इधर का एरिया हो गया। अब आते हैं यहाँ पर, अब हमने देखा था ब्रह्मपुत्र रिवर जो होती है वो कहाँ से, ये सिंटेक्सियल बैंड बनाती हुई ब्रह्मपुत्र रिवर, यानी कि यारलुंग सांगपो, और यहाँ पे दिवांग, फिर इस तरीके से इसमें प्रवेश करती है। तो जहाँ से प्रवेश करती है वो अपर सियांग डिस्ट्रिक्ट है अरुणाचल का, और वहीं पर जो है ये कहाँ से निकलती है, यांग याप पास है, यहाँ से एंटर करती है,
और यहीं उसके आगे जो ईस्ट की तरफ है केपांगला पड़ता है। और ये दोनों जो हैं पास किससे जोड़ रहे हैं, इस अपर सियांग को जोड़ रहे हैं किससे, तिब्बत वाले एरिया से। तो ये दोनों पास देख लिए हमने। अब आते हैं इधर की तरफ, ये आपको दिखेगा दिफू पास। दिफू पास क्या, यहीं पर इस तरीके से हमारी म्यांमार की सीमा शुरू होती है, तो ऊपर पड़ जाता है क्या, चाइना वाला एरिया, इधर म्यांमार वाला एरिया, इधर इंडिया वाला एरिया। तो ये ट्राई जंक्शन बोलते हैं। तो ये ट्राई जंक्शन पे कौन सा पड़ रहा है हमारा, दिफू पास ट्राई जंक्शन पर, किसके, इंडिया तिब्बत और म्यांमार के। उसके नीचे ही अंजा डिस्ट्रिक्ट में ये दिहांग पास पड़ रहा है, जो ये म्यांमार से, अभी ये म्यांमार से जोड़ने वाले हैं। कुमजुंग भी म्यांमार से जोड़ता है। और इसी तरीके से यहाँ पर आपको ये दिखेगा चौखन पास। चौखन पास ये भी म्यांमार से जोड़ रहा है, पंगसो ये भी म्यांमार से जोड़ रहा है, और लेखा पानी ये भी म्यांमार से जोड़ रहा है, किसको, अरुणाचल को। लेकिन ये क्या है, ये चांगलांग में, ये अंजा डिस्ट्रिक्ट से जुड़ रहा है। तो ये आपको जानकारी मिली। तो अब इसी तरीके से देखिए नीचे की तरफ आएंगे यहीं से, तो अब हम ये देखें नागालैंड से नीचे आएंगे तो ये मणिपुर है। मणिपुर में ये है तुजू पास। तुजू पास क्या, इम्फाल से, इम्फाल यहाँ की कैपिटल है, इम्फाल को किससे जोड़ रहा है, लापुआ म्यांमार जाने के मार्ग पे पड़ेगा, जा सकते हैं इस मार्ग से, कहाँ, म्यांमार जा सकते हैं, लापू और म्यांमार। तो ये हो गया। तो हमारा इस तरीके से ये आपको समझ में आ गया, दिहांग पास जो है क्या है, क्लोज टू दिफू मैंने बता ही दिया, और ये मांडले म्यांमार पहुँचने के लिए दिहांग पास से पहुँचेंगे। तो ये हमारे अरुणाचल के हो गए सारे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं हम इसको समझते हैं हमारा, वैसे तो हम हिमालय पर्वत का पढ़ रहे थे तो हिमालय से संबंधित सारे देख लिए, लेकिन हम तब भी ये जब ये कवर कर रहे हैं तो मैंने कहा था पूरा कवर करेंगे और जो सारे पासेज हैं उनको समझेंगे। अब मैंने बताया था ये गोरम घाट, गोरम घाट जो है ये कहाँ है, ये राजस्थान वाला एरिया पड़ेगा, ये राजस्थान वाला एरिया पड़ेगा। तो राजस्थान वाले एरिया में गोरम घाट है। गोरम घाट क्या है, मेवाड़ को मारवाड़ से है अरावली हिल्स, यहाँ पर अरावली हिल्स हैं। अरावली हिल्स में मेवाड़ वाला क्षेत्र को मारवाड़ से जोड़ने का काम गोरम घाट करता है। ऐसी हल्दी घाटी के बारे में पढ़ाई होगा 1576 में, जो हमने अकबर की और महाराणा प्रताप की जो हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में पढ़ा है 1576 का जो है, तो वही उसी इससे संबंधित है। तो इसी जो पास, यही जगह थी हल्दी घाटी पास, तो हल्दी घाटी में अरावली हिल्स में पड़ती है ये, अरावली हिल्स है। और ये के कुंभगल फोर्ट को उदयपुर से जोड़ने का रास्ता है। ऐसे ही नीचे आते हैं तो आपको यहाँ पर असीरगढ़ फोर्ट पड़ेगा, असीरगढ़ पास, असीरगढ़ फोर्ट भी है, असीरगढ़ पास भी है। ये नर्मदा ताप्ती वैली को जोड़ता है, और यानी कि ये कहाँ है, सतपुड़ा रेंज में पड़ता है, सतपुड़ा रेंज में पड़ेगा, और एक तरफ नर्मदा वैली है एक तरफ ताप्ती है। तो आपको यहाँ पर बीच में पास दिखेगा, तो ये नर्मदा को ताप्ती से जोड़ने वाला पास है असीरगढ़। इसके बाद में आगे आते हैं तो आपको दिखेगा कसारा घाट और मालसेज, भोरघाट, कुंबरली, अंबा, अम्बोली, और ये चोरला, ये सब दिखेंगे। ये कहाँ दिखेंगे, ये सारा महाराष्ट्र वाला एरिया है। महाराष्ट्र वाले एरिया को हम देखते हैं, आराम से समझते हैं इसको इस वाले मैप से, जिससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आएगा जो चीज़ें आप देखते हैं। अब ये इधर है मुंबई, तो ये मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला, मुंबई को नासिक से जोड़ने वाला ये दिखेगा। ये क्या है, कसारा या थुल या थाल घाट बोलते हैं। एक तो ये हो गया, फिर दूसरा आपको यहीं से मुंबई को पुणे से जोड़ने वाला दिखेगा, ये भोरघाट कहलाता है, मुंबई पुणे मार्ग पर। और ये मालसेज दिख रहा है बीच में, ये मालसेज क्या है, थाने को जोड़ रहा है अहमदनगर से, थाने को अहमदनगर से जोड़ रहा है। और ऐसे देख लीजिए समझ में आ जाएगा। और तो ये थाने को अहमदनगर से जोड़ने वाला मालसेज है। अब इसी तरीके से कुंबरली घाट जो है, इधर रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट है, ये सतारा है, तो रत्नागिरी और सतारा का मार्ग पर पड़ेगा कुंबरली घाट। उससे नीचे आएंगे हमारा पड़ेगा अम्बा घाट। अम्बा घाट क्या है, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट अभी भी है, और कोल्हापुर इधर है, अम्बा रत्नागिरी को कोल्हापुर से जोड़ने का काम करता है। फिर और नीचे आते हैं, फिर हमें यहाँ पर दो दिखेंगे, यहाँ पर दो घाट दिखेंगे, यानी कि दो पासिस दिखेंगे। ये क्या है, जो पश्चिमी जो घाट है उनकी बारे में, सह्याद्री पर्वत जो है उनके बीच में है। तो ये अम्बोली कहाँ पर है, सिंधुदुर्ग जिले में, सिंधुदुर्ग में पड़ेगा सावंतवादी, सावंतवादी यहाँ पर दिखेगा, सावंतवादी, सावंतवादी, सावंतवादी जो है महाराष्ट्र में जगह पड़ती है, और इधर बेलगांव जो है कर्नाटक में है।
सावंतवादी और कर्नाटक को जोड़ने वाला है अम्बोली घाट। ऐसे जो चोरला घाट दिख रहा है यहाँ पर, चोरला घाट की विशेष बात है ट्राई जंक्शन है किसका, इधर महाराष्ट्र पड़ेगा, इधर गोवा पड़ेगा, इधर कर्नाटक का पड़ेगा, इन तीनों को जोड़ने वाला चोरला घाट है, ट्राई जंक्शन पे है। तो हमने देखे ये भी आपको समझ में आ गए। तो अब ये देखिए हमारा पूरा का पूरा, अब सीरियल से अगर समझना शुरू हो गएंगे, चोरला ट्राई जंक्शन अम्बोली कर्नाटक और उसको जोड़ता है अम्बा, फिर खंबरली भोरघाट कसारा थुलघाट मैसेज जो है ये पड़ेगा आपको मलसेज, बल्कि मलसेज जो है ये पड़ेगा आपका अहमदनगर थाने वाला। तो ये हो गया महाराष्ट्र से संबंधित। और अब आते हैं नीचे, आपको ये दो दिख रहे होंगे ये और ये, एक क्या है पलक्कड़, इसे से पालघाट बोलते हैं, और नीचे सेनकुट्टा। पलक्कड़ और इधर पलक्कड़ पड़ता है, इधर कोयम्बटूर पड़ता है, पलक्कड़ को कोयम्बटूर से जोड़ने के लिए पालघाट है। कोयम्बटूर किस में पड़ेगा, तमिलनाडु वाले क्षेत्र में। और यहीं पर नीलगिरी और अन्नामलाई है, नीलगिरी और अन्नामलाई के से घिरा हुआ है, तो नीलगिरी अन्नामलाई के बीच में पड़ता है। ऐसे ही सोनकोटा है, तो ये तिरुवनंतपुरम जो है केरल का है, और मदुरै जो है किसका है तमिलनाडु का, इनको जोड़ने का पास करेगा सेनकुट्टा पास से जाएंगे। और ये नगरकुल और कार्डमम हिल्स के बीच में है। तो ये आपको दो पड़े केरल के, ये भी आपको समझ में आ गए केरल के दोनों। और इधर महाराष्ट्र के इतने सारे, फिर ये असीरगढ़ का जो हो गया नर्मदा और ताप्ती के बीच में, फिर राजस्थान के दो सीख लिए, और गोरम और हल्दीघाटी ये हमने अरुणाचल के इतने सारे देख लिए अरुणाचल प्रदेश के। अब इसके बाद में हमने ये ऊपर जो है हमने सिक्किम के देखे, और फिर ये हमने हिमाचल और इनका देखा। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा इंडिया के सारे पासिस कवर हो गए, और मैंने मैक्सिमम पासिस को कवर करा है, जिसमें आपको बस यही ध्यान रखना चाहिए जो दो मैंने जवाहर टनल और उनके बारे में बताया, बनिहाल काजीगुंड टनल के बारे में, और उसके अलावा एक ये हमारा जो इसमें जो है अटल टनल, अटल टनल का जरूर बताना चाहिए, रोहतांग जो पास हमने पढ़ा था उसके उससे उसके उसके पास में ही जो है एक अटल टनल बनाई गई है 9.02 किलोमीटर की, वो भी पीर पंजाल श्रेणी में ही पड़ती है, और पीर पंजाल श्रेणी का मतलब है जो हिमाचल तक आई है तो पड़ती है। और उसके बाद में उसको जो है मनाली को केलोंग, ये मनाली जो मैंने बताया मनाली और लेह मार्ग पे पड़ता है रोहतांग, ऐसी जो है वो भी मनाली को केलोंग लाहौल स्पीति का उससे जुड़ती है। और मैंने बताया था कि जो ऊपर ये सिनकोला दिख रहा है यहाँ पर भी एक बनाया जा रहा है रास्ता, और वो जो है दारचा पदुम रोड कहलाएगा, जो किससे जोड़ेगा लाहौल को कारगिल से। तो इस तरीके से ये सारे टनल्स के बारे में भी जान लिया, तो हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अब इससे संबंधित कोई भी होगा तो आप इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा, और इसका जो है ट्रिक इसलिए नहीं बताई, बहुत ज़्यादा है और आपको लोकेशन ज़्यादा समझ में आनी चाहिए इसलिए। तो अब ये आप इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, जिससे मैं आपको और अच्छे अच्छे बना सकूं। ये टॉपिक ऐसा है जो किसी भी एग्ज़ाम में आ सकता है, वनडे एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है, और PCOS IAS के लिए भी ज़रूरी है, आपको लोकेशन के बारे में भी पता होना चाहिए। धन्यवाद, मिलते हैं किसी और लेक्चर में।